नमस्कार, आप देख रहे हैं कमिंग अप न्यूज़। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो अभी हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो से अपडेट रहें। गोयल जी और कांग्रेस, इनका हाल वैसा ही है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोची। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूत हैं, दमदार हैं और उनके परिश्रम के कारण ही ममता बनर्जी के पैरों से नीचे जमीन खिसक गई है और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी की रोड शो पर जिस प्रकार से तृणमूल के लोगों ने हमला किया, अराजकता फैलाई, इससे उनकी बौखलाहट का प्रकटीकरण हो गया है। मैं भूपेश बघेल जी को भी कहना चाहता हूँ, उनके नेता राहुल गांधी को भी कहना चाहता हूँ और ममता बनर्जी को भी कहना चाहता हूँ, जब जब जो जो तानाशाही के रास्ते पर चला, जिसने मान मर्यादाओं का उल्लंघन किया, जिसने लोकतंत्र की हत्या की करने की कोशिश की, उसको कभी भी भारत की जनता ने बर्दाश्त नहीं किया। इंदिरा गांधी का आपातकाल उसका ज्वलंत उदाहरण है और आने वाले कल में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की तानाशाही का भी जवाब पश्चिम बंगाल की जनता देना। इसके पास कोई उपलब्धि नहीं है, इसलिए कांग्रेस सिर्फ नकारात्मक पॉलिटिक्स कर रही है। कांग्रेस पूरी तरह स्खलित हो गई है, विचार शून्य, सिद्धांत शून्य, स्वार्थ और भ्रष्टाचार को संरक्षण देने के लिए परिवारवाद की बैसाखी पर चढ़कर वो राजनीतिक समय काटना चाहते हैं। जनता ने उनको अप्रासंगिक बना दिया। राहुल गांधी को के साथ प्रियंका गांधी प्रेजेंट हुई है, क्या लगता है कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री के लायक? मुझे समझ में नहीं आता कि प्रेस के लोग प्रियंका गांधी के बारे में पूछते क्यों है। गांधी परिवार को परिवारवाद प्यारा है, ये तो समझ में आता है, लेकिन प्रेस उसे क्यों तवज्जो देती है? वो राजीव गांधी की लड़की है, राहुल गांधी की बहन है, तो सबके बहन भाई काम करते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जब चुनाव होता है तो करते ही, तो सीजनल टूरिस्ट हैं। जब चुनाव होता है तो प्रियंका गांधी हों, चाहे उनके पति हों, चाहे और कोई हों, ये सब लोग सीजन पे आते हैं और उसके बाद अपने धंधे पानी में भ्रष्टाचार करने के लिए चले जाते हैं। इस बार कितनी